स्वच्छं किंचन चिच्चमत्कृतजनं विश्वार्पणं दर्पणं स्वच्छन्दं विमृशामिमां हृदं त्वं तत् विचित्रं महा दिक्कालार्थविकासहात् सुतमा विश्वक्रमा विक्रमाः स्पन्दन्ते सकला कलाविकलम् यस्मिन् जगदरश्मयः सत्यं परस्तु जन्मादेशे बन्धन सत्यं परं स्वरूप लक्षण और जन्मादेश बन्धन पास रहते लक्ष्य वस्तु को दिखाने वाले तटस्थ और जो स्वरूप में रह जाते उसको लिखा है उसको स्वरूप ये जो हम जी लगने का उच्चारण करते सापत्ति नारे जी लड़ी सापत्ति नारे हम निरंतर परमात्मा का चिंतन हे चिंतायाम से यह ध्यान का अर्थ निरोध दशा नहीं है समाधि नहीं है अन्य वस्तु का ध्यान नहीं है परम सत्य यथार्थ सत्य का चिंतन है उस स्वामी जी भी बोल रहे थे यहां पंडितों में रहते थे कष्ट तो हम लोग बोलते थे अक्षर पंक्ति मात्र विश्वास हम शास्त्र के एक एक अक्षर और एक एक पंक्ति को स्वीकार करते अधिकारी के से उसकी संगति लगाते कहीं श्रोता के भेद से कहीं वक्ता के भेद से कहीं वचन के भेद से सब सुसंगत ऐसे शास्त्र संप्रदाय और सत्य इनके विरुद्ध जो अनुभव है वो शास्त्र संप्रदाय और सत्य और वैराग्य के विरुद्ध जो ईश्वरादेश है वो वासना के और द्वैत की जो सत्यता है वो यथार्थ पर आधारित है परमात्मा अब देखो थोड़ा गायत्री की तरफ आपका ध्यान वैसे हमारी परंपरा में गायत्री को इस स्वभाव में उच्चारण नहीं किया जाता अब जो एक बात सुनाता हूं स्वामी चंद्रेश्वरानंद महाराज वृद्ध है हमारे श्री गुरु अरविंद महाराज के साथी मैं काम कर लेता तो ये देव भगवान की स्थापना करने के लिए जबलपुर में कभी भी ज्यादा होती है इनके साथ में पंडित थे विष्णु भट्ट जी उनका नाम है उन्होंने सार्वजनिक रूप से गायत्री का उच्चारण प्रारंभ करवाया तो तदंतर सिंहानिया उठ के गए ऐसे हाथ उनके मुंह की ओर किया पंडित जी हमारे गुरु जी ने मना किया है कि गायत्री का उच्चारण ऐसे नहीं करना बड़ी सफल गंगेश्वरानंद जी महाराज वहां बैठे हम भी वहां बैठे और जाके पंडित जी को बिल्कुल रोक दिया और सार्वजनिक रूप से गायत्री का उच्चारण मत करो हमारे गुरु जी ने मना कर रखा इस बात तो गायत्री में दो पद आपके ध्यान में होंगे तीन पद है जो सवितारम भी नहीं ऐसा नहीं है देवम भी नहीं ऐसा भी नहीं भार्गव भी नहीं क्या मतलब हुआ ये नहीं है कि हम सृष्टि बनाने वाले का ध्यान कर रहे हैं ये भी नहीं है सर्वावधार तक जो देव है विष्णु वादे उनका ध्यान करना
अपनी अपनी कक्षा में सब प्रकाशक होते ही हैं। कक्षा विशेष के प्रकाशक होते हैं देवता, कोई नेत्र प्रकाशक है, कोई काल प्रकाशक है, कोई बाल प्रकाशक है, अपनी अपनी कक्षा में तो सब प्रकाशक होते हैं, उनका ध्यान नहीं करते। चिंतन का विषय न सविता है और न देवता है, चिंतन का विषय है धर्म, ही नहीं क्रियापद का कर्म है भर्ग, भर्गनाथ भर्ग, जो वैद्य का भर्गन कर भूंद जला दे उसको बोलते हैं भर्ग। तो सविता जो है वो तो जन्माद्य से देता है, और देव जो है वो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे भजन तिगत सूर्य है, और भर्ग जो है वो सत्यम परम है। द्वैत को भूत है, और एक पार्टी बंदी जो है उसका सत्यानाश कर द्वैत पार्टी, अद्वैत पार्टी, द्वैता द्वैत पार्टी, विशिष्ट अद्वैत पार्टी, सब पार्टी दल बंदी है। ये पार्टियां सब की सब टूट जाती हैं, टूट जाती हैं समय समय पर, तो ये छिन्न छिन्न होने वाली है पार्टी। तो ये जो द्वैत विशिष्टा द्वैत द्वैता द्वैत नाम लगा देते हैं ना, द्वैत विशुद्धा द्वैत सिद्धा द्वैत अचिंत्य द्वैता द्वैत औपाधिता औपाधिक द्वैता द्वैत स्वाभाविक द्वैता द्वैत निंदाचार स्वाभाविक द्वैता द्वैता चैतन्य महाप्रभु अचिंत्य द्वैता द्वैता भास्कराचार्य औपाधिक द्वैता द्वैता। अपने वेद में तो महाराज अद्वैत के साथ कोई विशेषता लगाकर बोलने की प्रथा ही नहीं है, इसे तो रामचरित मानस में भी न साकेत शब्द का प्रयोग है न विशिष्ट शब्द का प्रयोग है ही नहीं, न विशिष्टाद्वैत शब्द का कहीं कार्य रहा प्रयोग है और न तो कहीं साकेत शब्द का प्रयोग है। ये तो राम ब्रह्म है, ये साकेत से नहीं आए, हर व्यापक सर्वत्र समाना में से निकले, अद्भुत है। तो सवितारम भी नहीं नहीं है, देवम भी नहीं नहीं है, देवस्य सवितो वरेण्यम भर्गो ईहर, देवस्य सवितो मैं उलट के बोल रहा हूं, अनुकूल भी नहीं देगा। मैं सूर्य का ध्यान करता हूं कन्या साक्षात तो सूर्य मंडलांतरवर्ती जो सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम है उनका ध्यान कर रहा हूं कन्या, जो समग्र नाम रूप क्रियात्मक द्वैत प्रपंच को खून डालने वाला है, उस भर्गनशील अविद्या तत्काल को भून डालने वाले का मैं चिंतन करता हूं। अच्छा तो कोई परोक्ष हो उसके लिए बोला नहीं, बोली योग नहा जो हमारी बुद्धिवृत्तियों को प्रचोदय प्रकाशय, ये पंचम लकार है, येषु पंचमो लकारश चंद्र गोचर, तो प्रचोदन वो लिंग नहीं है, क्या है लिंग लकार नहीं है, वो तो लट लकार, लेट जो है लेट लकार होने से, लेट लकार होने से लट अधुनई हो प्रकाशयति, अधुना न प्रकाशयति अग्रे प्रकाशय, इस समय वो प्रकाशित नहीं करता है आगे प्रकाशित करे, ये अर्थ नहीं है, सर्वदैव प्रकाश है ये उसका अर्थ है। तद विष्णु है ना, विष्णु तत् परमं पदम सदा पश्यन्ति, सदा पश्यन्ति भावना स्वयं सदा निरस्त को, भावना स्वयं सदा निरस्त को,
सदा पश्यन्ति सूर्य तो सदा माने परमात्मा और तत्व इन दोनों के दर्शन में काल भेदक नहीं है। काल के व्यवधान से सूर्य परमात्मा का दर्शन नहीं करता है और काल से देश और वस्तु जहां काल है वहां विषय क्रम है। माने प्रकाश से वस्तु निरपेक्ष सूर्य पुरुष जो है वो सदा परमात्मा का काल निरपेक्ष देश निरपेक्ष न एक मिनट का एक सेकेंड का कभी फर्क नहीं पड़ता, एक इंच का कभी फर्क नहीं पड़ता, एक तरह का कभी फर्क नहीं पड़ता और परमात्मा का दर्शन करता है। तो ये जो अस्माकम सर्वेषां हम लोग घड़े शरीर से अलग अलग हैं, प्रतीक के अभिप्राय प्रतीक रूप से शरीर सबके अलग अलग मालूम पड़ते हैं लेकिन सब और सबके भीतर यह भी अलग अलग मालूम पड़ते हैं। परंतु प्रचोदया का अर्थ है प्रकाश यदि सबका प्रकाश कर भावना स्वयं सदा निरस्त होता हूं। जन्मादेश जता जो है वो तो सविता सविता का बात करते हैं और पहले ब्रह्म हृदय आदि कब है ये देवा का बात करते हैं। धीमही स्वयं है वो अर्घ कैसा है कब है बरेण बरेण है माने यह चेद अवेदी रत सत्यमस्ती नवेदी माही विनष्टि। इसी जीवन में यदि तुमने परमात्मा को नहीं पहचाना तो ये जीवन निष्फल गया। अच्छा अब ये तो गायत्री की बात सुनाई सत्यम परम वो स्वरूप लक्षण है और जन्मादेश से जन्म व्याख्या निकालते हैं या पंडित लोग भी कहते हैं स्वेदेवा सत प्रसूति निधानम तमनुग्रहश्च त्वन्माया संवृतते तथस्तु पश्यन्ति नाना न विपश्यतो ये व्याख्या है। इस मंगलाचरण न नमस्कारात्मक है और न आशीर्वादात्मक है ये तो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। इसलिए जन्मादेश से इस मंगलाचरण में दो बात कही गई है वो भागवत के भीतर आने वाली वस्तुओं का निर्देश है। जन्मादेश से जगत की व्याख्या करें तुम एक सत प्रसूति अस्तस्तन तटस्तन इत्यादि से सत्तया विद्यमान तीन प्रकाशित जो घट में पट में खड़ा है कपड़ा है में जो है और उसके द्वारा प्रकाशित अस्थि वृत्ति विषय से प्रबंध अस्थि सतह अस्थि वृत्ति विषय से ये जिसके लिए हमारी इलम वृत्ति कहती है ये आदमी है ये पशु है ये पक्षी है ये स्त्री है सब सच्चा मालूम पड़ता है ना। तो बोले बाबा सब अलग अलग सच्चे मालूम पड़े तो मालूम पड़े पर सब एक में से ही निकले। प्रसूति माता जनित्री माने जग के सब रूप से भासमान प्रपंच नहीं था तब भी वो सबकी जननी माँ मौजूद थी। प्रसूति तुम संधारण और ये जाके उसी खजाने में समा जाता है संधारण आकरा घड़ा बनने के पहले माटी थी घड़ा टूटने के बाद माटी रहती है। तुम संधान तो अनुग्रह तुम ही इस प्रपंच के अनुग्रह अनुग्राहक हो माने तुम्हारी ही सत्ता स्फूर्ति से इसको सत्ता स्फूर्ति का लाभ हो रहा है।
प्रपंच में सत्ता नहीं है, सत्ता परमात्मा की एक ही अंगत है, जन्माधिष्ठ और आदि पद में स्थिति हो गया गौण रह गया, तो स्थिति हो गया मनोग्रह। स्थिति कौन है ये नहीं कहते हैं यहाँ कि परमात्मा से आप ये देख लो क्या, ये कहते हैं तुम कारण हो, तुम प्रलय हो और तुम स्थिति हो। अब जब एक तुम एक तुमेक एवास्य सतम प्रसूति ही त्वमेव कारणम त्वमेव संधानम त्वमेव अनुग्रह। अब भला बताओ एक तो है बेचारा त्वम, अब जन्म पिता भी हुए और पालक भी हुए और विलीन भी उसी में हो जाए, प्रलय प्रलय भी उसी में हो, ऐसा तो कौन हो सकता है? अनेक होना चाहिए, संविधान अलग होना चाहिए, अनुग्रह अलग होना चाहिए, उत्पादक जो पिता है वो अलग होना चाहिए, और यहाँ तीनों में त्वम 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 तीन बार प्रयोग कर दिए, त्वम 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 एक एक ही हो तुम, और तुम ही उत्पादक और तुम ही स्थापक और तुम ही प्रलयकारक प्रलापक। बोले कि तब अनेकता को प्राप्त हुई है ना, तो दुर्तन माया समृद्ध चेतसत्वम पश्यन्ति नाना। तुम्हारी माया ने जिनके ज्ञान को आवृत कर दिया है, यहाँ माया शब्द का भी प्रयोग है और समृद्धि शब्द का भी प्रयोग है, समृद्धिया जाएगी तो सा गौर बात का है, समृद्धिया जाएगी तो सा चित्त जब थक जाता है तब पैदा होगा मालूम पड़ता है, नहीं तो पैदा वैदा नहीं होता है। ये तो जादू का खेल है, तुम माया समृद्ध चेतस त्वाम नाना पश्यंती नेह नाना स्थिति श्रुति हो गए। यहाँ नाना है ही जादू का खेल है, एक अनेक दिख रहा है, एक पिता दिख रहा है, एक पालक दिख रहा है, एक ब्रह्मा दिख रहा है, ये पिता एक पालक दिख रहा है विष्णु हुआ है, और एक प्रलय का हेतु दिख रहा है शिव हुआ, तब एक ब्रह्मा है एक विष्णु है एक शिव है, क्यों महाराज है ना बोले त्वम 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 काट दिया ना, सामानाधिकरण कैसे होगा? मुख्य सामानाधिकरण तो तीनों का त्वम के साथ नहीं होगा, बाद सामानाधिकरण होगा, तीनों कट के तब त्वम बनेंगे। तब ये तीन क्या है? विष्णु माया समृद्ध तेजस त्वम, और यहां भी त्वम आ गया नाना पश्यंते माया, माया ने जादू के खेल में, अरे महाराज पहले पतिर लो माया राण बोला करते थे बोला, क्योंकि साधुओं को फसाने वाली वो अनुभव था महाराज, साधुओं का अनुभव था माया राण ऐसे बोला करते थे। अभी सब गौर है लेकिन अब आपके सामने क्या बोले, बहुत गाहों का है माया खिलाफ बोलते थे बिना प्याह के ही, और जिसका कौमान जो भंग हो जाए उसको छिनार बोलते हैं बोला, शस्त्र का शब्द छिनार शब्द धोनी शब्द का जैसे प्रयोग है ना संस्कृत, उसके लिए छिनार शब्द का प्रयोग है, संस्कृत का शब्द जो लोग मैं जान कर जिसका ग्रंथ भेद विवाह के पूर्वी हो गया, तो ये माया छिनार महाराज भगवान के साथ कभी व्याप हुआ है, बच्चे पैदा करके और जिताती तो उनसे हुआ तो त्वम माया समृद्ध चेतसा, इस अभी माया जो होती है ना वो महाराज
लोगों को अपने काबू में कर लेते हैं। ये माया की रूप देखा है, ज्ञान को हट दिया, असली जो जानकारी थी छिपा दिया और नकली जानकारी प्रकट कर दिया, और ईश्वर से जो बोली कि ये तुम्हारे बच्चा है, मेरे बाबा हम तो जानते ही नहीं, हमने तो कभी देखे ही नहीं, न माया देखी न माया के बच्चे देखे। ये तो अध्यारोप किया जाता है, और अविद्या अविद्या की अविद्याया विवाह शिक्षा प्रकट करते माया माया का संता छाया छाया तो प्रश्नोत्तर सब में यथा पुरुषित छाया छाया के नाम से माया कर भागवत में छाया प्रत्याया भाषा असंतोष व्यर्थ कार्य एवं देहादयो भाया भगवान ये संत्याम रखते हो ये जो भागवत पढ़ते हैं उनके लिए श्लोक हो गए सिद्धियादि नाम यहात्मा छाया न कतमा न संघातो विकारो न प्रभंग नान्वेतो मृषा। ये जो क्षित्यादि अर्थात है ये जो प्रतिद्यादि रूप अर्थ है इनकी किंचित छाया मात्र भी नहीं है, इनका संघात भी नहीं है, इनका विकार भी नहीं है, इनका परिणाम भी नहीं है, इनसे पृथक भी नहीं है, इनमें अन्वेत भी नहीं है, और अतएव मृषा। इसलिए छाया जो है मृषा मृषा सत्य सत्य छाया प्रत्याया भाषा हमको प्राप्त है। दूसरी सुनानी थी ये भागवत से इसकी व्याख्या करते हैं लग गया। मैं समझता हूँ जो लोग भागवत पढ़ते हैं उनके ध्यान में ये बात जरूर रहेगी। अब एक बात आपको सुनाते हैं कि ये जो माया है ये मरने वाली है कि हमेशा रहने वाली है। भागवत में आपको ललकारते हैं वो जय 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 राम अधिक दोष गुणाम भागवत में ललकार है और जय जय आदर आपका दिखता है आपकी जय हो जय हो। श्रीधर स्वामी पूछते हैं तेल व्यापार है, अरे बाबा हम कैसे जीते हैं। भगवान ने पूछा ईश्वर जी ने कहा हे प्रभु आपकी जय हो जय हो। बोले क्या करें सब तुम समझोगे कि हमारी जय हो गई हम जीत गए क्या करें। बोले अजाम जय इस अविद्या माया को मार डालो, माने ये मारनीय है। तो माया सच्ची तो नहीं हुई ना, सात सत्यव मोह सहाया जातु सत्यता के जन्म माया भाष सत्यव मोह सहाया। कोई कोई कहते हैं हे जय की जय तक संबुद्ध हे जय तुम जय सर्वोत्कर्षण वर्तस्व सबसे श्रेष्ठ हो करके वर्तो तो क्या करें हे अजाम जय इस राण को मार दो अरे इस बकरी को काट डालो ये भी उसका मतलब होता है अजाम जय अजाम है बकरी गाय को इस बकरी को क्यों मारे मुझे बहुत अच्छी दे रही है दंश गढ़ रहा डरते ही जाता अजाम एक लोहित शुक्ल कृष्णा दावी प्रजा चंद्रमाना शरुदा अजो ये तो दुष्मानो और जीव फंस गया इसे जहां तेनाम भुक्त भोगाम अजो न्य जो सत्य परमात्मा है उसका इस सजा के साथ कोई संबंध नहीं है। जहां तेनाम भुक्त भोगाम अजो न्य परमात्मा न भोगता है न भोगे है ये बात श्रुति ने स्पष्ट रूप से कहा है न तदस्नाति किंचन न तदस्नाति कश्चन परमात्मा किसी को खाता नहीं है और परमात्मा को कोई खाता नहीं है न वो किसी का भोगता है न तदस्नाति किंचन न तदस्नाति कश्चन और न उसका कोई भोगता है न भोग्य है का परमात्मा ऐसा देखा तो माया मारनी हो गई। एक बात हो गई तो माया आगंतुक हो गई है हमारे परमात्मा का स्वरूप नहीं हुई
और ये जो जन्माद्य तत्व है, जो अस्य जन्मादि है, ये जन्मादि जो है वो आगंतुक है और यही माया का खेल है। कल माया समृद्धि तत्व प्रश्नि। अच्छा, अब उसका निरूपण कैसे करें परमात्मा का? अरे भाई, माया का नाम ही क्यों लेते हो? माया सूर्य से अथवा दैवी गीता गुणमय माया दुरंत नामे वजह को तत्व माया देता परंतु ये माया जो है इसका वर्णन ही क्यों करते हो? परमात्मा का ही वर्णन करो, सत्य ज्ञान ब्रह्म वर्णन करो। यही वर्णन करो, अलोहिदम अस्नाविदम यही वर्णन करो, अपूर्वम अनपरम अनंतरम अवाज्यम अशब्द स्पर्श मरूप मध्यम ये वर्णन करो, फिर माया का वर्णन क्यों करते हो? तो देखो भाई, वर्णन करने के लिए अध्यारोप अपवाद के बिना वर्णन, पहले माया का अध्यारोप करो और फिर माया का निषेध करो। ये बात इसी वेद स्मृति में स्पष्टम स्पष्टम है। गया अजाम गई है, अजाचार दूसरा नहीं होगा। क्वचि दया आत्मना चरतो नुचरेन निगमा, कभी माया के साथ जगत जन्माधिकार होना परमात्मा का निरूपण कर सकते और फिर न तस्कार्य सीताराम कार्यकरण है। तो जब कार्य नहीं है तो जनयत्रित तो कहाँ है? कार्य नहीं है तो कारणत्व का निवेद हो गया ना। तो एक बार कारणता का अध्यारोप करते हैं और फिर कारणता का निवेद करते हैं। स्वयं तत्व की दया और आत्मना को कभी माया के साथ सृष्टि स्थिति प्रलय करते हैं और कहीं सृष्टि स्थिति प्रलय कारण माया का जब अपवाद हो गया तो आत्मना को स्वस्थ रूपे हैं, स्वस्वरूप में रहते हैं। चरता चरगति क्वचित दया आत्मना चरता निगम अनुचरे। श्रुति वचन जो है वो परमात्मा का कैसे वर्णन करते हैं? बोले क्वचित दया क्वचित आत्मना चरता अनुचरे मनो की अनुचरे। फिर इस तरह से अध्यारोप अपवाद के द्वारा निर्गुण की मदद करे और निर्गुण में भी मन का प्रवेश हो जाएगा। बोले भाई, बिना प्रमाण की बात बोलते हो, अकृत्रिम प्रमाण बोले अत्र प्रमाण निगम श्रुति है ना, अत्र निगम निगम प्रमाणम अर्थात अहमेव प्रमाणम। वेद बोल रहे हैं कि इसमें मैं ही प्रमाण हूं। अरे पकड़े गए भाई, बस पकड़े गए। क्या पकड़े गए? तो प्रमाण प्रमेय का वेद हो गया कि नहीं है? और तुम हुए प्रमाण और परमात्मा की अद्वितीयता हुई प्रमेय। यदि अद्वितीयता को प्रमेय मानते हो तो वो चीज हो गई, पकड़े गए। मैंने भागवत के निरूपण की शैली क्या है तो वेद स्तुति ही बोलते हैं। अपन निरसनेन भवन निंदना, वेद के निरूपण की शैली बता दे। अभी बाबा अपन व्याख्यान देते हैं, जाके कहा कि जहां महाराज राजस्थान में स्त्रियां भट्ट में रख देते हैं और पेट खोल लेते हैं और पीट करके मक्का को पीट करके मुंह पेट को देते हैं। अब उनके बीच में जाके गंगा देश का निरूपण करें है? सीताराम अब यहाँ तो कई अच्छे विद्वान बैठे हैं तो उनके बीच में बोल रहे हैं। कहने का मजा तो तब है जब एक कहे और दूसरा समझे और अपना कहा जब आप ही समझे तो क्या समझे। अरे बाबा, आजकल तो ऐसा बोलते हैं जो खुदा को सरदार कर मारे
तो भी न समझ खुदा की बात आप लोगों ने एक सरदार साहब कश्मीर जा रहे थे, तो रुपया चूट कर उनके हाथ बिगड़ा के नाले चलाए नाली, और वो तो सब पहने हुए थे ऊपर से नीचे तक सजे बजे थे। तो एक खुदा निकाल दे, एक खुदा हमारा रुपया निकाल दे बना दे, एक खुदा हमारा रुपया मिल जाए पैसे नहीं निकाल दे। वहां से मुसलमान निकला था, उसने कहा तुम अपने ईश्वर को क्यों नहीं पुकारते हो, हमारे पिता को क्यों पुकारते हो। बोला एक रुपये के लिए मैं अपने ईश्वर को पुकार एक रुपये के लिए मैं अपने ईश्वर को तकलीफ, इसके लिए खुदा ही काफी भाई मेरे अतन निरसन है। वेद का प्रयोजन क्या कि वो पहले अतत का निरूपण करता है, ये जगत जन्मादि जो है वो अतत है, तब भिन्नत्व प्रति सब बोधकत्व परमात्मा से अलग रहकर ये परमात्मा को मनाता है, तब भिन्नत्व प्रति सब बोधकत्व तदर्थ रखा। जगत जन्मादि जो है दुनिया का पैदा होना रहना मिटना, ये खुदा का न पैदा होना है, ईश्वर का न पैदा होना है, न रहना है न मिटना है, ये उससे बिल्कुल अलग चीज है। तो ये उससे अलग रहकर पहले उसका निरूपण करता है, इसका नाम हो गया। वेद ने क्या किया कि पहले अतत का प्रतिपादन किया, ये देखो ये देखो ये देखो ये है, खोल दो कलक देख ले झलक, दिखाया भाई जादूगरी दिखाई कलक में कलक देख लिया, कहा काम मुगल वहां कसम को एक महात्मा स्मशान साधना कर रहे थे, स्मशान में बैठे, अब महाराज ये जो चाहते हैं लालच वाले हो इनको क्या क्या करना पड़ता है। भटकते भटकते जिंदगी बीत गई, पहाड़ में गए जंगल में गए देश में गए विदेश में गए, प्राप्तम किंचित फलम कुछ मिला नहीं, हाथ नहीं लगा, खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे। प्राप्तम किंचित फलम त्यक्तम जाति कुलाभिमान हर्षितम सेवा कृपा निष्फला, जाति का कुलीनता का जो उचित था अभिमान उसको भी छोड़ निष्फल सेवा, मंत्राराधन तत्परेण मनसा नीता मसाने निशा, मंत्र का जप करते करते मसान जगाते जगाते सारी रात पिता भी महाराज मसान में प्राप्त तत्ता वरात को विनमया कृष्णे गुणा मंचमा। एक कानी कौड़ी भी तो हाथ नहीं लगी, हे कृष्णा देवी अब तो पिंड छोड़ो बस मेरी जान, हे कृष्णा देवी अब तो पिंड छोड़ो, कहीं कुछ हाथ नहीं लगा, सारा महाभारत निष्फल गया। इसी से निर्वेद स्थायी भाव और शांत रस प्रधान महाभारत का वर्णन करते हैं। न जुआ खेलने से कुछ मिला, न औरत दांव पर लगाने से मिला, न दिग्विजय करने से कुछ मिला, न शंकर जी को हराने से कुछ मिला, न परशुराम की लड़ाई से कुछ मिला, और न इतने लोगों के मरने से कुछ मिला, जो निश्चित प्यार लेके गए अपने हाथ में, यही है प्राप्त कान बरा तो कुछ नहीं मिला, मार मार के मर गए एक कुछ नहीं मिला। आखिर जब खुद को भी मरना है तो दूसरे को मारना, स्मशान में साधना कर रहा था गुरु जी देखते, अब महाराज क्या हुआ कि जब मुर्दे पर वो बैठा और मंत्र पढ़ा, मुर्दे का मुंह खुला और लोहे तक चला चला, अब मुंह खुले और चना डालता गया, उसी समय क्या हुआ कि हजारों प्रेरित कार्य हो और वो कहीं क्या हो रहा है महाराज
पत्थरों सा बज रहा है, पटारे बज रहे हैं, मदद दूसरा है, दुल्हन है, अब उनके माँ है, बाप है, दास है, ससुर है, जरा आपसे भर गया आत्मसा। और उसके बाद देखा कि सब किसान प्रकट हो गए, बहुत सारे अब तो जरा उत्साह कर, तो गुरु जी देख रहे थे, बंद कर ले आज, बंद कर आज, जब बंद किया तो कुछ नहीं सुसान है, ये यहां से दिखा अरे ये तेरी आंखें में से तेरी भावने निकल के दिख रही थी, न यहाँ बरात है, न दूधा है, न दुलहन है, ये तो स्मशान चेत रहा है, इसको स्मशान ये शंकर जी का, शंकर जी का जो महास्मशान है, शंकर जी का महास्मशान है ना, ये शंकर जी का स्मशान चेत रहा है कुछ नहीं। क्या हुआ, स्मशान तो खाली है बाबा, वहां तो कुछ नहीं है, पर ये दिखाई देते थोड़ा अजया अजया करता, जब माया के खेल के साथ विचरण करते हैं तो ये सब दिखाई पड़ता है। और जब महाराज बस यशोदा मैया ने देखा, क्या देखा, कृष्ण पी रहे थे दूध, मैया की गोद में कृष्ण, एक हजार मतनाद आए, अरे माया का अर्थ तो हम बताने और सुनाने वाले थे, सुभावना स्वयं सदा मेरा सब कुहरता हो, कुहक मारे कपट और कपट मारे पूछना अविद्या पूतना नष्टा, और श्री कृष्ण लीला में अविद्या पूतना नष्टा। फिर बाबा कभी कभी कहते थे कि वेदांत की बात दोषी हो तो सीधे सीधे बोल दिया, जब ऋषि को वेदांत की बात कहनी होती तो उसको कहना नहीं आता है, और पूतना बना सीखता हूँ ऐसे बोल, और जब पूतना की बात करनी हो तो लोगों के रसास्वादन के लिए पूतना की लीला का बताता हूँ, कैसे यशोदा मैया की गोद में, पूतना की गोद में, और कैसे उसका दूध पीना, ये सब वर्णन किया कर, और जो हो मजा लेने वाले हो लीला को मजा ले, और जब वेदांत की बात कहने हो तो सीधे सीधे महाराज दो टूक मारी तलवार, दो टूक मारी तलवार बनाना क्या, तो असत्यांग रूपण जो है आप ध्यान दो, ये जो जन्म का निरूपण, स्थिति का निरूपण, लय का निरूपण, ये माया के खेल का जो निरूपण है ये असत का निरूपण है, और इसका कौन निरूपण है, क्या निरसन है, बंद कर रहा है, ये तुम्हारी दृष्टि का खुराक है, तुम्हारी कल्पना है, मित्रो राशि मेरे को संसारा तमसा कर, ये जो तुम्हारा मित्र मालूम पड़ता है मित्र नहीं है, और जो तुम्हारा शत्रु मालूम पड़ता है शत्रु नहीं है, जो उदासीन मालूम पड़ता है उदासीन नहीं है, ये तो तुम्हारे अज्ञान का अज्ञान, संसार मित्रो उदासीन रिकवा संसार समसकृत, ये तो सब का सब तुम्हारे मन का खेल है, तुम्हारा संस्कार गुजर गया, तुम्हारा साधु हो गया है, सुने होगा आप लोगों के पास एक दो साधु है, अब चोरी करने की आदत गुरु जी ने साधु को खबरदार आज तक चोरी नहीं कर, तो जब रात को साधु लोग सो जाए तो उनका कुंभा उठा के उनके पास, उनका चिंता उठा के उनके पास, उनका प्राण उनके पास, सवेरे साधु लोग जब उठे तो बयाली होनी शुरू हो जाए, तुमने हमारा कुंभा क्यों लिया, तुमने हमारा चिंता क्यों लिया, तुमने हमारा खड़ा क्यों पहला, अब महाराज सब साधु आश्चर्यचकित हमको करते नहीं है, ऐसा होता कैसे है, अब महाराज एक दिन पता लग गया तो गुरु जी से लोगों ने कहा महाराज तुम्हारा चेला तो ऐसा करता है, बड़ी लड़ाई लगा जा रहे हैं, गुरु जी ने डांटा तोरे ऐसा काम क्यों करता है, तो बोला महाराज आपने चोरी करने को मना किया था, तुम्बा चोरी करने को बड़ी तो पहले असत का करते हैं निरूपण, और फिर उसका करते हैं निरसन, निरसन माने मना कर देते हैं, अब तक मैंने जो आजकल महाराज अखबारों में करता है कोई शब्द छाप देते हैं और फिर उस पर काटने का निशान लगा देते हैं, ये आधुनिक प्रणाली होती है,
मसूर की दाल नहीं, मसूर की दाल नहीं, मंसूर की दाल, अच्छा ऐसे ऐसे बोलते हैं तो मसूर काट देते हैं और दाल भी काट देते, देखते तो सब मसूर की दाल पर मसूर की काट देते हैं, मसूर काट देते हैं, दाल काट देते हैं और वो मंसूर बना देते हैं उधर और उधर दाल बना देते हैं। तो पहले स्थापित करके जैसी शक्ति प्रसव को प्रतीत हो रहा है, जैसी शक्ति उसकी स्थापना करके अनुवाद करके सृष्टि का और फिर उसको कह दिया कि अद्वैत परमात्मा में ये है नहीं। बोले भेद कैसे, तुम कैसे प्रमाण हो? तो हम प्रमाण प्रमेय के भेद की स्थापना करके और फिर प्रमाण प्रमेय के भेद का निरसन, निरसन माने अपवाद अपोहन बात कर देते हैं, बात पहले किया प्रतिपादन और पीछे कर दिया अपवाद। इस तरह से भेद जो है वो परमात्मा के संबंध में प्रमाण होते हैं। अब बीच की बात रह गई जन्माद्य से जता।